आज हम बताने वाले हैं विंडोज 10 HP के किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में कैसे इंस्टॉल किए करें। सबसे पहले एक बूटेबल पेन ड्राइव लेनी है आपको, और इस पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है अपने PC में। ये आपकी पेन ड्राइव लग गई। पेन ड्राइव इंसर्ट करने के बाद आपको अपना पावर स्विच ऑन करना है और F9 बटन को प्रेस करते रहना है कंटिन्यू। उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस सामने दिखाई देगा। इसमें आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपकी पेन ड्राइव है, उसका नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मेरी पेन ड्राइव का नाम जेनरिक फ्लैश डिस्क है, और इसी को सेलेक्ट करने के बाद इंटर बटन को प्रेस करना है। अब विंडो की फाइल्स लोड होना शुरू हो जानी है। इसमें कुछ समय लग सकता है। और ये इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब इस इंटरफेस में आपको लैंग्वेज टू इंस्टॉल, किस भाषा में आप विंडो को इंस्टॉल करना चाहते हैं, और टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट आपको कौन सी भाषा का चाहिए वो सेलेक्ट करना होता है। कीबोर्ड और इनपुट मेथड में आपका यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि किस भाषा में हमारा कीबोर्ड वर्क करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे जाकर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना होता है। और अब आपको यहाँ पर आपके लैपटॉप या PC में जितनी हार्ड डिस्क के जो भी पार्टीशंस होंगे वो सब दिखाई देंगे, जिन्हें आप कम्प्लीटली फॉर्मेट कर सकते हैं। देन आप विंडो को रीइंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक्टिवेशन विंडो मांग रहा है, सो अभी आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, देन आप नेक्स्ट कर सकते हैं। और यहाँ से विंडो 10 प्रो या जो भी जिस वर्जन को आप विंडो के जिस भी एडिशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करना है, देन आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद एप्लीकेबल नोटिस एंड लाइसेंस टर्म्स आती हैं, जहाँ पे आपको लिखा होता है कि आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एंड टर्म्स। जो भी विंडो का लाइसेंस है और उसके जो नियम व शर्तें हैं वो मुझे स्वीकार हैं, और इसे चेक मार्क लगाने के बाद हमें नेक्स्ट करना है। उसके बाद हमें कस्टम इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप PC में जितने भी पार्टीशंस बने होते हैं सभी पार्टीशंस आपके सामने आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर वो पार्टीशन चुनना है जिस पार्टीशन में हम विंडो को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी भाग हैं वो सब आपको दिखाई दे रहे हैं, जो पार्टीशंस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हम सब क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर जो MB टोटल स्पेस MB पार्टीशन होता है उसे छोड़ने के बाद फर्स्ट पार्टीशन जो होता है प्राइमरी, ये सेलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद हम इसको फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। इतना करने के बाद आपका पार्टीशन कम्प्लीटली फॉर्मेट हो जाएगा, कुछ समय लगेगा भी। ये ड्राइव पार्टीशन टू 118 GB, और ये 118 GB खाली हो गया, यानी अभी पार्टीशन हमारा खाली हो गया। और इसी पार्टीशन पर हमें नेक्स्ट करना है, और इस तरीके से हमारा विंडो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है। और अब हमें वेट करना है 20 से 25 मिनट।
ये परसेंटेज में 100% जाना है। गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन नाउ 0%। बीस से 25 मिनट में ये 100% हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए 78% हो गया है, थोड़ा सा समय और लगेगा और हमें वेट करना है। ये देखिए 100% कंप्लीट। और इंस्टॉलिंग अपडेट्स, अब विंडो फिनिश अप करती है, करने के बाद सिस्टम आपका रिस्टार्ट करेगी। इंस्टॉलिंग अपडेट्स, अब विंडो स्टार्ट हो रही है। और अगर आप चाहें तो अपनी ये पेन ड्राइव को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और इस तरीके से विंडो आपकी ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जानी है और सिस्टम आपका ऑन हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद लेट स्टार्ट, अब यहाँ से आपको अपना रीजन चुनना है। तो इसके लिए हमें चुनना पड़ेगा इंडिया। इंडिया चुनने के बाद हमें यहाँ पर इन दिस राइट कीबोर्ड लेआउट इंग्लिश इंडिया। लेआउट अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इंटरनेट कनेक्शन अभी मांग रहा है। अभी मैं कनेक्शन कनेक्ट नहीं करूँगा, मैं आई डोंट हैव इंटरनेट पर क्लिक करता हूँ। देयर इज मोर टू डिस्कवर व्हेन यू कनेक्ट द इंटरनेट, कंटिन्यू विद द लिमिटेड एक्सेस। बाद में हम प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे अब आपको यूज़र नेम देना है और आप यहाँ पर एक यूज़र नाम दे सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चाहें तो आप यहाँ पे पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। लोकेशन यस है, सेंड रिक्वायर्ड ऑप्शन है, डायग्नोस्टिक डेटा, और इसको भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस लेट्स कॉर्टाना हेल्प यू, इस तरीके का गूगल वॉइस का कंट्रोलिंग होती है कॉर्टाना जो। हाय, नाउ योर विंडोज इंस्टॉलिंग इज रेडी टू यूज, सिस्टम इज रेडी टू यूज। दिस माइट टेक्स अवर मिनट्स। आपके सिस्टम की विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। और विंडो इंस्टॉल होने के बाद आपका ये डेस्कटॉप आ जाता है। अभी आपकी विंडोज 10 इंस्टॉल हो गई।